हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज। सो 10th क्लास साइंस 2 चैप्टर नंबर 7। ओके, एनिमल क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज, लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1। ए, आइडेंटिफाई मी, यानी आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर हम पहले ब्रश ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला है, आई एम डिप्लोप्लास्टिक एंड एसिलोमेट, विच फिलम डू आई बिलोंग टू। तो आंसर लिखना है इसके सामने ही, या फिर इस तरह जैसे लिखा हुआ है लिखना है। तो आंसर में लिखना है निडेरिया। ओके, एक्सप्लेनेशन में भी लिखना है आपको कि निडेरिया इज द डिप्लोप्लास्टिक इज दैट द कंसिस्ट ऑफ टू जर्म लेयर, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी इन विच टेक मेक्स इट एन एसिलोमेट। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ये पहला था। बी है, क्वेश्चन है, माय बॉडी इज रेडिकली सिमेट्री, वाटर वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन माय बॉडी, आई एम रेफर्ड एज अ फिश, तो आई एम नॉट, व्हाट इज माय नेम। तो आंसर लिखना है स्टार फिश। ओके, फिर एक्सप्लेनेशन आपको दे देना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, आई लिव इन योर स्मॉल इंसेटाइन, स्यूडोस इज प्रेजेंट इन माई थर्ड लाइक थ्री लाइक बॉडी इन विच फाइलम विल यू इंक्लूड मी। तो आंसर लिखना है एस्कैरिस फाइलम एस्के हेलमिंथिस। ठीक है, ये आंसर आपको लिख लेना है, एक्सप्लेनेशन भी आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ तक है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, टू आई एम मल्टी सेल्यूलर, देयर आर नो टिश्यूज इन माई बॉडी, वट इज द नेम ऑफ माई फिलम। तो आंसर आएगा पोरीफेरा। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी यानी रीज़न भी दिया गया क्यों है ये। ठीक है, तो आप लोग लिख लो तो ये अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि आपको आगे 11th में काम आए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन चार्ट। ओके, आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ दिए गए हैं नाम, आप उनको देख लीजिए, फिर आपको बताना है। ठीक है, कि वो किससे, मतलब कौन से कैरेक्टर्स में है, उन एनिमल्स को आपको देख के वो चार्ट एक तरीके से बता देना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका पाद स्पॉन्ज, ग्रास ऊपर, रोहू, पैनगोइन, फ्रॉग, लिजर्ड, एलिफेंट एंड जेलीफिश। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं पाद स्पॉन्ज, तो ये होता है फाइलम पॉरीफेरा से। ये आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, ये पहले का आंसर, यानी जो ये बात स्पॉन्ज दिया है ना, तो लिखना है फाइलम पोरीफेरा, फिर ये लिखना है दिस एनिमल्स आर द सिंपलेस्ट बॉडी प्लान एंड आर कॉल्ड एज स्पॉन्ज, दे बियर न्यूमरस पोर्स ऑन देयर बॉडी, दोज पोर्स आर कॉल्ड एज ओसेटा एंड ऑस्क्यूला, दीज आर एक्वेटिक एनिमल एंड आर मोस्टली असीमेट्रिकल। असीमेट्रिकल यानी क्या, उन आप सब जानते हैं, जैसे कि इंसान की बॉडी है तो क्या होती है, वो दो यानी सेंटर से कट होना चाहिए, तो ये सेंटर से कट नहीं हो पाता, इसीलिए क्या होता है, ये असिमेट्रिकल है, यानी जो बराबर के दो हिस्सों में नहीं कट पाते हैं। ठीक है, उसे असिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे इंसान की बॉडी है तो उनकी दो हिस्सों में एकदम बीच से अगर हम सेंटर से काटते हैं तो हो जाएगा ना, अगर आप देखो ये सब ओरिजिनल नहीं काट देना, आप देखो ये मान लो कि इंसान की एक बॉडी, तो आप इसको ऐसे काटोगे तो दो हिस्सों में बराबर कट जाते हैं, ये सेंटर से काटो तो। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं ना पॉरीफेरा में, तो ये असिमेट्रिकल होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रास ऊपर, तो ग्रास ऊपर में आंसर लिखने की, ग्रास ऊपर है पॉली ये फाइलम ऑर्थोफोरा। ठीक है, आंसर ये लिखना नीचे, दिस एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडिजेस, बॉडी ऑफ द दिस एनिमल्स इज डिप्लोप्लास्टिक इसलिमेट बायलेट्रिकल सिमेट्रिक एंड सेगमेंटेड। ठीक है, ये ग्रास ऊपर का हो गया। सी है रोहू, तो रोहू का आंसर लिखना है फाइलम पाइसिस में आता है वो फिशीज़ में। ओके, फिर आंसर लिख देना, दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एक्वाटिक एनिमल लिविंग इन द मराइन एंड फ्रेश वाटर, देयर बॉडी इज स्पाइनल शेप टू मिनिमाइज वाटर रेसिस्टेंस, दे हैव प्रिपेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग, द टेल फिन्स इज यूजिंग एज अ स्टीयरिंग ऑर्गन्स ड्यूरिंग स्विमिंग, दे यूज फॉर गिल्स रेस्पिरेशन, यानी जो सांस के लिए रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का यूज करते हैं, कौन, रोहू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेंगुइन, तो पेंगुइन का आंसर लिखना है आपको, पेंगुइन का आंसर लिखना है पेंगुइन फाइलम एफ से बिलोंग करता है, इसका आंसर लिखना है, दीज वर्टिब्रेट्स आर कम्प्लीटली अडेप्टेड फॉर रियल लाइफ, दीज आर वार्म ब्लडेड
इज दैट दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट एंड देयर बॉडी स्पाइनल शेप टू मिनिमाइज एयर रेसिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट. देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इंटू विंग्स एंड द डिजिट आर कवर्ड विथ स्केल्स एंड देयर बी अ क्लॉज. एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फीदर्स. ओके, यानी इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है पेंगुइन का, वो क्या होता है? फीदर्स होता है. ठीक है, फीदर्स में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है आपका फ्रॉग. तो फ्रॉग का आंसर लिखेंगे फाइलम एम्फीविया. फिर ये आंसर आपको लिखना है बिल्कुल. ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सिक्स जो है लिजर्ड. तो लिजर्ड का आपको लिखना है फाइलम रेप्टिलिया. फिर आंसर आपको उसके नीचे लिखना है कि दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे क्रीप ऑन द लैंड एंड एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप, देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सेवन एलिफेंट. तो एलिफेंट का आंसर लिखना है कि फाइलम मैमिलिया से है. ठीक है, यानी उसका कैरेक्टर बताना है. यानी आपका जो ये क्वेश्चन था ना, ये सारे क्वेश्चन में आपको कैरेक्टर पूछा गया है. फिर आपको उसकी जो है ना चार्ट बताने कि वो क्या है, क्यों इसके क्लॉज है कि नहीं, बॉडी कोल्ड कोल्ड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है या वार्म ब्लडेड एनिमल है, ये आपको बताने. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही सवाल कर दिया गया था. देखो आप अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो. ठीक है, तो हम पहले करेक्टर इसलिए बता रहे हैं आपको. तो यहाँ सेवन हमारा एलिफेंट था, तो एलिफेंट जो है वो मैमिलिया से बिलोंग करता है, यानी इसका कैरेक्टर क्या है? फाइलम मैमिलिया. फिर ये आंसर आपको बता देना है कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इज टिपिकल कैरेक्टर ऑफ द फाइल ऑफ दिस फाइलम. दिस एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल एंड देयर डिजिट्स आर प्रोवाइड विथ नेल्स, क्लॉज और हुक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलीफिश. जेलीफिश जो होता है वो फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है. फिर उसका ये आंसर है बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स आर सिलिंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक, मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर मराइन, ओनली फ्यू आर फ्रेश, रोलेस देयर बॉडी इज रेडिकल सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक, टेंटल स्केल आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्री वेब्स, न्यूरोब्लास्ट्स इंजेस द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ प्री, दोज आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन टू. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यानी यहाँ पे ख़त्म हो गया जेलीफिश आपका लास्ट था क्वेश्चन नंबर टू का. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थ्री. राइट इन ब्रीफ अबाउट द प्रोग्रेसिव चेंज इन एनिमल क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो आपको यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए, यानी कि स्क्रीन पे आपको जितने दिख रहे हैं उसको क्या करना है, लिख लेना है. ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर अपने हिसाब से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लिख लीजिए आंसर. 5 पॉइंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर. वट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन ग्रांड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. ओके, यानी जो सिमेट्री जो है मतलब डिफरेंसेज पहले तो बताने हैं आपको ग्रांड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री में, फिर आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ. ठीक है, आंसर का सबसे पहला है ए है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के पहले जो 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 पॉइंट दिख रहे हैं आपको वो लिख लीजिए, दो पहले दिख रहे हैं. उसके बाद तीसरा यहाँ पे नीचे ये थर्ड वाला पॉइंट है, उसके बाद है फिर है फोर्थ वाला लिखना है, फिर फिफ्थ. ये 5 पॉइंट पहले आप लिखोगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का. ओके, उसके बाद आपको आगे लिखना है बॉडी सिमेट्री, जो इसका बी पॉइंट आपको इसी तरह डालना है. फिर आगे उसको कंटिन्यू करते जाना, यानी 5 के बाद ये 6ठा पॉइंट हो जाएगा, फिर ये 7वां पॉइंट हो जाएगा. ओके, फिर ये 8वां और 9वां. ठीक है, आप लोग लिख लीजिए. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5. एक बार मैं फिर से आपको ये दिखा देती हूँ ताकि गड़बड़ ना हो कुछ. पहले आपको क्या करना है, आंसर में लिखना है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर 1, 2, फिर ये पहले 2 पॉइंट ये लिखेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पांचवा के बाद ये बी लिख के बॉडी सिमेट्री डालेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू पॉइंट डालते जाएंगे. फिफ्थ तक हम लिखे थे 6, 7, 8, 9 तक लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ. यानी आपको आंसर ब्रीफ लिखना है, बड़ा क्वेश्चन आ गया. वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है, मैंने शॉर्टली आपको आज समझाया है. और वीडियो को ज़्यादातर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लीजिए, फिर आपको अदर टॉपिक पर वीडियो शेयर होगा तो भी आप कमेंट में बोल सकते हो. ओके, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए, गिव साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ शार्क अप टू क्लास.
तो आंसर में लिखना है किंगडम एनिमिलिया, सब किंगडम एक्वाडेट, फाइलम क्वाडेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और क्लासेस है फिशेस। ठीक है, ये इतना लिखो। अगर आपको अगर ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन करते तो आपको इस तरह आंसर बता देना है। ठीक है, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 3 मार्क्स को 3 मार्क्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, बट आ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये इजीली है, आपको समझ में भी आया और आप लिख भी सकते हो एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कभी है राइट 4 डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो इसका आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन बताना है कैरेक्टर ऑफ फाइलम में, कि जो इकाइनोडर्मेटा है ना उसका आपको डिस्टिंग्विश करना है मिनिमम 4 पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे 4 पॉइंट्स हम बता रहे हैं, आप लिख लीजिए। पहला लिखना है आपको, कैल्क्यूरियस स्पिनर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स, हैंस दे आर कॉल्ड एज इकाइनोडर्म्स। सेकेंड पॉइंट है, दिस एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशन। थर्ड पॉइंट है, देयर बॉडी इज स्टिप्लोप्लास्टिक ई सेल्यूमेंट एंड इट इज़ अ रेडिकल सिमेट्रिकल इन अडल्ट स्टेज, हाउ एवर दे शो बायलेट्रिकल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज। फोर्थ पॉइंट है, दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ 2 फीट। 2 फीट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द कैप्चरिंग द प्रे। सम एनिमल्स आर सेडेंटरी, एग्जाम्पल स्टारफिश, सी शियांगचिन, ब्रिटल स्टार, सी क्यूकम्बर एक्सेट्रा। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट आपको दिखाए गए हैं, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 का सी। तो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बटरफ्लाई एंड बैट विद द हेल्प ऑफ 4 डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज। यानी इसमें भी आपको 4 पॉइंट के साथ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है बटरफ्लाई और बैट में वो बताना है आपको। ठीक है, और ये डिस्टिंग्विश में आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए, इसीलिए आपको 4 पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको एक्स्ट्रा इससे ज़्यादा आता तो आप 4 से ज़्यादा भी लिखोगे तो अच्छा रहेगा, 5 तक लिख दो, क्योंकि अगर आपका इसमें से कोई भी एक मिस्टेक जाएगा तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। तो फर्स्टली हम बटरफ्लाई का पॉइंट देखेंगे, फिर बैट का देखेंगे। तो फर्स्टली है हमारा बटरफ्लाई का, एंड दे हैव जॉइंटेड अपेंजेस, दो है काइटिनस एक्सो स्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड द बॉडी। थर्ड है एब्सेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। फोर्थ पॉइंट है, बॉडी इज स्टिप्लोप्लास्टिक इसलोमेट बायलेट्रिकल सिमेट्री एंड सेगमेंटेड। ठीक है, अब बैट का देखते हैं। तो बैट का पहला पॉइंट है, दे हैव 4 लिम्स डैट दे आर अडेप्टेड एज विंग्स। सेकेंड पॉइंट है, एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन दे इन द फॉर्म ऑफ फर। थर्ड पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। फोर्थ पॉइंट है, बॉडी इज डिवाइडेड इन टू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, ये लिख लीजिए इसका। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 का डी है, टू विच फाइलम डज कॉकरोच बिलोंग, जस्टिफाई योर आंसर विद साइंटिफिक रीजन। ठीक है, ये 100% पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, 2 मार्क्स के लिए या तो 3 मार्क्स के लिए आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आप पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया करो। 6 पॉइंट अगर आप लिखते हो ना तो आपको कितने 3 मार्क्स तक क्वेश्चन किए जाएंगे। तो फर्स्टली है कॉकरोच का पहला आंसर है, कॉकरोच का पॉइंट का पहला आंसर है, कॉकरोच बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, दिस एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडिजेस अपेंडेजेस। थर्ड पॉइंट है, दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट रैंगिंग फ्रॉम द डेप्थ ओशन इन हाइएस्ट माउंटेन। नेक्स्ट पॉइंट है, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोप्लास्टिक इज एलोमेट बायोलॉजिकल सिमेट्री एंड सेगमेंटेड। नेक्स्ट पॉइंट है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड द बेयर बॉडी। ओके, और छठा पॉइंट है यहाँ पे, 6 पॉइंट, दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, गिव साइंटिफिक रीजन। पहला है, थ्रू टोर्टोइज लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर इज कैनॉट बी इंक्लूडेड इन क्लास एम्फीविया। यानी कि जो टोर्टोइज है वो इसमें पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, तो हम उसको क्लास एम्फीविया में क्यों इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, नहीं कर सकते, मतलब उसे इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते एम्फीविया में। इसका आंसर है यहाँ पे दिया गया, एम्फीबियंस आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग लार्वल लाइफ एंड परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन, वेयर दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड ड्यूरिंग अडल्ट लाइफ एंड कैन परफॉर्म एक्वेटिक एज वेल एज एरियल रेस्पिरेशन। दे कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सीन इन टोर्टोइज दैट आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड आर ऑब्जर्व टू क्रीप एंड लैंड, हैंस दे आर इंक्लूडेड इन द क्लास रेप्टिलिया एंड नॉट मैमिलिया। ओके, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप लिख लीजिए। ओके,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, क्वेश्चन है अब बॉडी इरिटेट्स इफ इट कम इन कांटेक्ट विद जेलीफिश, यानी आप जेलीफिश के कांटेक्ट में जब आते हो तो आपकी बॉडी जो है इरिटेट्स होती है, ठीक है। तो रीज़न बताते हैं क्यों, आपको बताना है, साइंटिफिक रीज़न देना है। यहाँ पे आंसर दिया गया है, लिखना है जेली फिश बिलोंग्स टू द फाइलम नीडेरिया, नीडोब्लास्ट बियरिंग टेंटेक्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ, दीज टेंटेक्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे वेव्स, नीडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ प्रे, दोज आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन टू देयर रिलीज ऑफ द कॉन्टेक्ट एंड इट्स कॉन्टेक्ट विथ द स्किन, हैंस कॉजेज इरिटेशन वेन आवर बॉडी कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ द जेली फिश। ओके, ये आंसर हो गया, यहाँ तक लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सी, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, सो आंसर इजी है यहाँ पे, यहाँ से लिख यहाँ तक आप लिख लो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 का डी है, प्लेनोग्लासेस इज कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये आपको आंसर बताना है। थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन प्लेनोग्लासेस is considered as the connecting links between non-chordates and chordates. This animal shows the characters of both the group. It is a chordate since it is the not chordate tubular nerve cord and gill slits. The invertebrates character include the phoccidians and larva. Okay, यहाँ तक आंसर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ई है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे आंसर है, लिख लीजिए। रेप्टाइल्स आर, यहाँ तक है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, पूरा आंसर देखेंगे हम अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो, इसलिए मैं आपको आंसर शो कर रही हूँ, आप लिख लीजिए। ओके, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाई चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं फिर चूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा विच स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज, पोरीफेरा, तो इसमें कौन सा राइट आएगा, तो पहला जो आपका ऑप्शन है कॉलर सेल्स, वो आंसर राइट है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया, आप वो लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बॉडी शोज बायलेटरल सिमेट्री, तो इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है सी, अर्थवर्म, ठीक है। आंसर में लिखना अर्थवर्म, फिर एक्सप्लेनेशन लिख देना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सी है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रीजेनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट, तो आंसर है यहाँ पे स्टारफिश, यानी आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट है, आंसर में लिखना है स्टारफिश और एक्सप्लेनेशन ये लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का डी है, क्वेश्चन है बैट इज इंक्लूडेड इन विच क्लास, तो आंसर लिखेंगे आप ऑप्शन डी जो है वो राइट है, मैमिलिया, ठीक है, मैमिलिया लिख देना आंसर में, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख देना है, ठीक है, कि आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए ये जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स आंसर पे और 1 मार्क्स एक्सप्लेनेशन पे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है, बॉडी कैविटी तो जर्म लेयर और फाइलम, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे 3 कॉलम दिया है, तो बताना है आपको किसके अंदर प्रेजेंट है किसके अंदर नहीं है, तो हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइलम देखेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा जर्म लेयर और फिर बॉडी कैविटी भी, ठीक है, तो हम देख लेते हैं, हमारा डायरेक्टली आंसर है, और रुको हम शॉर्ट करते हैं थोड़ा और सबको साथ में देखेंगे। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट वाला है, यहाँ पे फाइलम में पोरीफेरा दिया गया है और यहाँ पर खाली, तो उसमें लिखेंगे सिंगल लेयर, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे बॉडी कैविटी में यहाँ पे एब्सेंट दिया गया है, तो यहाँ पर भी एब्सेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे खाली है, फाइलम में दिया गया है खाली, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्लैटी हेलमिंथिस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रिपल प्लास्टिक दिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एब्सेंट दिया गया, तो यहाँ पर भी एब्सेंट लिखा हुआ है। उसके बाद है आपको दिया गया फाइलम में एस्के हेलमिंथिस, तो उसके आगे जर्म लेयर में खाली है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग ट्रिप्लोप्लास्टिक और यहाँ पे सीडोसिलो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइलम में ऑर्थ्रोफोरा, तो ऑर्थ्रोफोरा का यहाँ पे फाइलम में दिया गया आपको। उसके बाद इसका जर्म लेयर यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक और बॉडी कैविटी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे दिए गए, आप देख लीजिए और लिख लीजिए। ओके, बहुत ईजी है और ये चार्ट हो सकता है एग्जाम में पूछे आपको।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। फिर से आपको है टाइप है, कैरेक्टर है और एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पे दिया गया साइक्लोस्टोमाटा, तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्टली यहाँ पे दिया गया साइक्लोस्टोमाटा, उसके बाद खाली है तो उसमें हम लिखेंगे ज्वेल्स माउथ विथ सकर। ठीक है, फिर यहाँ पे भी खाली एग्जाम्पल में तो आंसर लिख दीजिए पेट्रोमेजोन। ठीक है, फिर यहाँ पे खाली दिया गया टाइप में, तो वहाँ पे लिखेंगे हम पाइसिस, और उसके बाद गिल रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये खाली है ये एग्जाम्पल में, तो शार्क लिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एम्फीबिया है तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उसके बाद खाली है तो उसमें लिखा है, उसमें लिखना है आपको कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, और ये जो खाली है तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉग। ओके, उसके बाद आपका आता है एम्फीबिया, हमने कर लिया। अब यहाँ पे आपको खाली दिया हुआ है टाइप में, तो आप क्या करोगे वहाँ पे लिखोगे मैमल्स, उसके बाद कैरेक्टर भी आपका खाली है, कैरेक्टर वाला बॉक्स में भी ये वाला ये खाली है, तो इसमें लिखेंगे मैमरी ग्लैंड्स ऑफ प्रेजेंट, और उसके बाद वेल लिखा है तो यहाँ पर भी वेल लिखा है। उसके बाद है यहाँ पर फिर खाली दिया गया टाइप में आपको, तो वहाँ पे लिखेंगे रैप्टीलिया, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पोइलोकिथम्स, उसके बाद आपको यानी कैरेक्टर में आपको दिया गया, और फिर आपको लिखना है एग्जाम्पल में खाली है तो वहाँ पे लिखेंगे लिजर्ड। ठीक है, ये लिजर्ड आंसर लिख के आपका ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, स्केच लेबल एंड क्लासिफाई। ठीक है, आपको फिर से क्या करना है, आपको स्केच करना है, और ये तो हो सकता है इनमें जितने भी दिए गए हो क्वेश्चन में उनमें से कोई ना कोई एक पूछे, तो अच्छे से आपको इनको क्या करना है, अच्छे से पहले इनका डायग्राम देखना है, स्केच देखना है, फिर लेबल उसका आंसर देखना है, फिर क्लासीफाई आपको करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका हाइड्रा। ओके, तो हम एक ही करके आंसर देखते जाते हैं। फर्स्ट है हाइड्रा, आंसर में लिखना है हाइड्रा। ओके, फिर आपको मैं दिखाते जा रही हूँ, ये देखो हाइड्रा का स्केच है और उसके साथ उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरह लिखा है उसी तरह आपको बना देना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई करना है, तो क्लासीफाई में किंगडम एनिमिलिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल टिश्यू, बॉडी सिमेट्री रेडिकल सिमेट्री, बॉडी कैविटी असिलिमट, फाइलम नाइजीरिया। ठीक है, ये लिख देना है। उसके बाद आपका आता है सेकेंड जेलीफिश, तो जेलीफिश नाम देना है। फिर उसके बाद ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है स्केच, ये जो बना हुआ वो बना लेना है। उसके बाद उसको लिखना है, इसको क्लासीफाई करना है भैया ना हमको, तो किंगडम एनिमिलिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल टिश्यू, बॉडी सिमेट्री रेडिकल सिमेट्री, बॉडी कैविटी असिलिमट और फाइलम नाइडेरिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्लानेरिया, तो प्लानेरिया नाम देना है। फिर उसको इस तरह बॉडी जो दिखाई दे रही है इनकी, पहले आपको ये बना लेनी है। ठीक है, यानी आपको ये पहले स्केच बना लेनी है जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ठीक है, इसकी स्केच है। फिर उसके बाद आंसर आपको लिखना है किंगडम एनिमिलिया, मैंने क्लासीफाई करना है आपको किंगडम एनिमिलिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड, बॉडी सिमेट्री बायोलॉजिकल सिमेट्री और बॉडी कैविटी असिलिमट और फाइलम फ्लैटी एलमेंथिस। ठीक है, फ्लैटी एलमेंथिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो फ्लैट होता है इसलिए फ्लैटी एलमेंथिस बोलते हैं। उसके बाद चौथा आपका राउंड वर्म, तो राउंड वर्म को नाम देना है आपको, पहले फर्स्टली तो राउंड वर्म ऊपर लिखना है, उसके बाद उसका ये जो स्केच दिख रहा है ये राउंड वर्म बना लेना है नाम के साथ, जो आपको जिस तरह लिखा है वैसे बना लेना है। फिर आपको उसको क्लासीफाई कर देना है, यहाँ तक बता देना, यानी किंगडम एनिमिलिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ग्रेड, बॉडी सिमेट्री बायोलॉजिकल सिमेट्री, बॉडी कैविटी ई सिलोमेट और फाइलम एनलिडा। बस उसके बाद आपका नेक्स्ट है फाइव बटरफ्लाई, तो पहले तो बटरफ्लाई नाम दीजिए, फिर बटरफ्लाई का जो स्ट्रक्चर है वो बता दीजिए। ठीक है, यानी जो भी आपको स्केच दिया गया वो बताना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको बना लेना है। फिर उसके बाद आपको क्लासीफाई करना है, तो क्लासीफाई में ये फाइव पॉइंट्स लिखना है, तो किंगडम एनिमिलिया आपको बताना है, किंगडम कौन सा, तो एनिमिलिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड है, और बॉडी सिमेट्री तो बायलैटरल सिमेट्री है, और बॉडी कैविटी तो ई सिलोमेट है, और फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, उसके बाद आपका सिक्स है अर्थवर्म, तो अर्थवर्म का है ना, अर्थवर्म नाम देना है पहले, फिर आपको स्केच जो दिख रहा है स्क्रीन पर वो लिखना है, ये जो दिख रहा है जब तक। ठीक है, उसके बाद आपको जिस तरह नाम लिखा है ना उसी तरह लिख लेना है। उसके बाद आपको ये इतने जो पॉइंट्स दिख रहे स्क्रीन पर वो लिख लेना पाँचों भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस नाम देना है फर्स्टली, फिर ऑक्टोपस के बाद उसके जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, आई मीन जो इसका स्केच दिख रहा है वो बनाना है, फिर जो नेम दिए गए वो सारे लिख लेना है। फिर उसके बाद ये जो फाइव पॉइंट्स आपको दिख रहे स्क्रीन पर, 1, 2, 3 एंड 4, 5, तो ये पाँचों पॉइंट आपको लिख लेने हैं। नेक्स्ट है आपका आठवा स्टारफिश, तो स्टारफिश पहले नाम देना है, फिर स्टारफिश के बाद जो है ना ये क्या बोलते हैं, आपको स्केच बना लेना है, डायग्राम बना लेना है और नाम दे देना उसके साथ ही उसको, क्योंकि नाम अगर आप नहीं दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो फाइव पॉइंट्स दिख रहे हैं ना,
स्क्रीन पर ये सारे पॉइंट्स आपको लिख लेने डायग्राम बनाने का। नेक्स्ट है आपका नौवा शार्क। तो शार्क पहले नाम दीजिए, फिर शार्क के साथ क्या करना है, पहले फिर ये बना लेना है स्केच आपको, फिर आपको 5 पॉइंट जो दिख रहे स्क्रीन पर ये 5 पॉइंट्स आपको लिख लेने। ओके, नेक्स्ट है आपका 10 फ्रॉग। तो फ्रॉग पहले लिखना है, नाम देना है उसको, फिर फ्रॉग का डायग्राम बनाना है, फिर उसकी जो नेम्स दिए गए वो बना लेने हैं, ठीक है। फिर इसको क्लासिफाई कर देना है ये 5 पॉइंट्स के साथ, ये 5 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं इनके साथ क्लासिफाई कर देना है आपको। ओके, नेक्स्ट है आपका 11 वर्ल्ड लिज़र्ड। तो फर्स्टली तो आप ये डायग्राम बनाओगे, नेम दोगे उसको, फिर आप उसको ये 5 पॉइंट के साथ कंप्लीट करोगे। तो ये 5 पॉइंट्स लिखना है आपको, फिर आपका क्लासिफाई भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 12 आता है पिजन। तो पिजन का आंसर देखना है, फर्स्टली पिजन आपको नाम दीजिए, फिर डायग्राम बनाइए, फिर उसको सारे नेम दीजिए, लेबल कीजिए नेम से के साथ, जिस तरह आपको दिख रहा है स्क्रीन पर उसी तरह बनाना है। ओके, और नेम भी उसी तरह देना है। उसके बाद आपको फिर ये 5 पॉइंट के साथ और क्लास कर देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, लेबल द फॉलोइंग। अब आप इनको इनको लेबल करना है, यानी इनको नेम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखो क्या है, इसको देखो, तो ये जेली फिश है, तो हम पहले इसका देखते हैं। तो फर्स्टली आपको आंसर में बनाना है ये, मतलब बना लेना है आपको जो स्केच दिख रहा है, नाम दे देना है, तो आपका ये लेबल हो जाएगा, ठीक है, जेली फिश नाम दे देना। उसके बाद दूसरा वाला जो था वो आपका है अर्थवर्म, ठीक है। तो अर्थवर्म का इसी तरह आपको स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है, और नाम दे देना है कि ये अर्थवर्म है। ओके, नेम सारे जो है लिखे हुए, ये सारे आपको लिख लेना है, प्रोटोमाइसिन जेनेटल एक्सेंसिलियम, ठीक है, ये सारे नाम आपको दे देने जितने जैसे लिखे हुए, फिर उसको नीचे उसको लिख देना है कि अर्थवर्म है। उसके बाद आपको ये लिख लेना है टैपवर्म, और टैपवॉर्म की डायग्राम बनाइए, फिर उसके जो भी नेम है वो सब दे दीजिए, ये एनस है, पोस्टीरियर है, ये सब आपको लिख देने, ठीक है। पोस्टीरियर देखो यहाँ दिखाया गया है, एनस ये है, ठीक है, तो ये आप ये एंटीरियर है ऊपर का, ये माउथ है, ये सब आपको लिख देना है, और फिर उसको नीचे नाम दे दीजिए कि ये टैपवॉर्म है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिश, ठीक है, आपको फिश का बताना था, तो कोई भी एक फिश को आप लेके बना सकते हो, तो मैंने यहाँ पे फिश ले लिया। पहले तो भी यहाँ पे आपको क्या करना है, फिश का ये डायग्राम बना लेना है, ठीक है। ये डायग्राम बनाने के बाद आपको उसको लेबल कर देना कि स्नॉट है, नॉस्ट्रिल है, आइज है, ठीक है, माउथ है, ये सारे नेम आपको दे देने, फिर उसके बाद लिख देना कि नीचे फिश है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर जो 7 था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, देख लेते नाम, हाँ एनिमल क्लासिफिकेशन जो था ये आपका, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर में एक्सरसाइज में, उस सारे क्वेश्चन आंसर के हमने देख लिया आंसर। सो आई होप आप लोग को समझा हो, कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और मेरा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऑल का ऑप्शन जो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, अपने फ्रेंड्स को वीडियो भेज सको, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और आपका 10th एग्ज़ाम है, यानी बोर्ड का है, 10th क्लास में हो आप, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, अब कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप चैट सेक्शन में बोल सकते हो, आपको मैं समझा दूंगी, अगर मुझसे सॉल्यूशन होगा तो मैं सॉल्यूशन करके बता दूंगी, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर, कैरी ऑन स्टडी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय एंड टेक केयर।